हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैटो चैनल एक्सट्रेंसिक कोचिंग ई पी से तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्कुलर आया है जिसके बारे में हम आज डिटेल में बात करने वाले हैं अगर आपको ईपीएस 95 के तहत हायर पेंशन आउट करना है तो इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही यूज़फुल इंफॉमेशन है तो इस वीडियो को पूरा देखना आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़टाफट सब्सक्राइब कर देना इस वीडियो को लाइक कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना फ्रेंड्स और बेल आइकन को प्रेस कर देना कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है आपको मिलते रहे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे दो सर्कुलर्स आए हैं एक है फोर जीरो फाइव नंबर का सर्कुलर है जो सिर्फ इंटरनल सर्कुलेशन के लिए है जो ए पी एफ ओ के इंटरनल ऑफिसिस जो होते हैं उनके सर्कुलेशन के लिए और सारे सी पी एफिस जो होते हैं या जो सी पी एस सी होते हैं मतलब जो गवर्नमेंट पी एस सूस है या कोई भी कंपनीस या एम्प्लॉयर्स है उसके इंटरनल सर्कुलेशन के लिए जो है ये एक सर्कुलर जो है वो निकाला है ये ट्वेंटी थर्ड अप्रैल 2023 को निकाला हुआ है और उसके बाद दूसरा सर्कुलर है जो आपके लिए काम का है जो वेब सर्कुलेशन के लिए है 406 नंबर का सर्कुलर है जो ट्वेंटी थर्ड अप्रैल को ही निकाला है इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे हालांकि ये दोनों सर्कुलर में सिमिलर इन्फॉर्मेशन है ज़्यादा फर्क नहीं है इन्फॉर्मेशन में कुछ डिटेल्स ज़्यादा दिए हुए हैं जो इंटरनल सर्कुलेशन है उसमें तो हम बात करेंगे जो वेब सर्कुलेशन है उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है तो ये सब्जेक्ट जो है ये सब्जेक्ट है सर्कुलर का एप्लीकेशन फॉर द वेलडेशन ऑफ द ऑप्शन और जॉइंट ऑप्शनिटी ऑफ़ द इंफॉर्मेशन एंड वेज डिटेल सबमिटेड बाई द एम्प्लॉई एंड द एम्प्लॉयर रिगार्डिंग तो देखिए सर्कुलर में क्या कहा है उसके बारे में हम बात करते हैं प्लीज़ रिफर टू द इंस्ट्रक्शन इस वाइड सर्कुलर डेटेड ट्वेंटी नाइन 2022 टू थाउजेंड ट्वेंटी टू आप किसके बारे में हम पहले वीडियोस में बात कर चुके हैं फिफ्ट जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फिफ्थ जनवरी टू ट्वेंटी थ्री एंड द ट्वेंटी फेब ट्वेंटी थ्री जिसमें एलिजिबिलिटी दिया था

जितने भी सर्क्यूलर आए हैं उससे आगे इंस्ट्रक्शन दिए e अब एक्ट कैसे करना है फर्दर एंड ऑनलाइन फैसिलिटीड एंड इज़ अवेलेबल ऑफ टू थर्ड मे टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री अब ज़्यादा दिन बच नहीं बचे हैं फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ ऑलमोस्ट में कहूँ तो अब एक हफ्ता ही बचा है थर्ड मे टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री को फॉर द रिसिप्ट ऑफ द फॉलोइंग थ्रू द एम्प्लॉयस हाँ पूरे दस दिन भी नहीं बचे हैं अब तो आपको अगर हायर पेंशन आउट करना है तो जल्दी डिसाइड करना है और जल्दी अप्लाई कर देना है क्योंकि मैं आपको बताऊँ बाद में जो है आपका जो साइट होगा उस पर बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाला है सो एप्लीकेशन फॉम For the validation of the joint option from the employees who retired prior to 1st September 2014 and the joint option form. फ्रॉम द employees who वेर मेम्बर्स ऑन द फर्स्ट September टू थाउजेंड ट्वेंटी फोरटीन मतलब ये उसके लिए फैसिलिटी जो है वो थर्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी अवेलेबल है एप्लीकेशन ज्वाइंट ऑप्शन विल बी एग्जामाइन बाई द फील्ड अब क्या होगा आपकी एप्लीकेशन का देखिए आप सबको डाउट था कि सर मैंने ये गलती कर दिया है सर मैंने वो कर दिया है बहुत सारे कॉमेंट सेक्शन में मुझे कॉमेंट करके पूछ रहे थे कि सर क्या हमें फिर से एडिट करने का मौका मिलेगा कुछ गलत इन्फॉर्मेशन डाल दी है तो उसके रिगार्डिंग इस सर्कुलर में दिया हुआ है सो इन द केस द रिक्वायरमेंट आर कंप्लीट द वेज डिटेल सबमिटेड बाई द एम्प्लॉयर्स विल बी वेरीफाइड विद द डेटा अवेलेबल विद द फील्ड ऑफिस तो आप जो भी जॉइंट ऑप्शन करोगे तो आप जॉइंट ऑप्शन मतलब फिल करोगे वो जो भी आपका रिक्वायरमेंट होगा देखो आपके पास फिल कर दोगे उसके बाद वो एम्प्लॉयर के पास जाएगा एम्प्लॉयर को भी उसका जो है वो फॉर्म फिल करना है आपका हाँ मतलब उसके रिगार्डिंग एम्प्लॉयर को भी यहाँ पे अवेर रहना है एम्प्लॉयर के भी डेटा जो है वेरीफाई करना है और उसके बाद फील्ड ऑफिसर जो है वो वेरीफाई करेगा इस डेटा को कि जो एम्प्लॉयर ने डेटा दिया है वो ई के पास जो भी डेटा है उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है द केसिस वेर एफ ओ डिटेल्स एंड मतलब फील्ड ऑफिसर डिटेल्स एंड द एम्प्लॉय डिटेल्स मैच अगर दोनों टेल मैच हो गए मतलब आपके पास ए का जो डेटा है और जो एम्प्लॉय डेटा देता है वो दोनों मैच हो गए तो ड्यूस विल बी कैलकुलेटेड एंड ऑर्डर विल बी पास तो आपका जितना भी ड्यूस होगा वो कैलकुलेट होगा और उसके बाद ऑर्डर पास किया जाएगा बाय द ए पी एफ सी आर पी एफ सी टू आर पी एफ सी वन फॉर डिपोजिटिंग ट्रांसफरिंग द ड्यूस तो जो भी आपका ड्यूस है वो ट्रांसफर करने के लिए एक ऑर्डर जो है वो निकाला जाएगा

तो इसके बाद आपको एक महीने का टाइम मिलेगा जिसमें आप अगर इनकरेक्ट डेटा है हो रहा है डेटा तो उसको करेक्ट कर सकते हो इन केस इनकेस देखो यहां मैं आपको बता दूं कि ये मंथ का टाइम दिया जाएगा लेकिन डेटा करेक्ट कैसे करना है इसके रिगार्डिंग अभी भी कुछ भी बताया नहीं है इन केस सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म ज्वाइंट ऑप्शन इज नॉट अप्रूव्ड बाय द एम्प्लॉयर बिफोर एनी रिजेक्शन एंड अपॉर्चुनिटी विल बी गिवन टू द employer for the providing any additional proof or evidence or correct any mistakes is और जो भी एरर है दोज मेड बाय द एम्प्लॉयिज़ और पेंशनर सच अपॉर्चुनिटीज़ विल बी फॉर अ पीरियड ऑफ वन मंथ अंडर द इंटीमेशन टू द एम्प्लॉयज पेंशनर्स तो देखिए आपको जो है देखिए अगर आपका एम्प्लॉयर जो है उसने जॉइंट ऑप्शन को अप्रूव नहीं किया है और कोई रिजेक्शन है या कुछ भी एम्प्लॉयर की ओर से डिटेल्स प्रूफ वगैरह जो एविडेंस वगैरह मांगे है उसमें मिस्टेक है तो अगेन आपको अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा एक महीने का अंडर द इंटीमेशन टू द एम्प्लॉयज और पेंशनर मतलब आपको भी इंटीमेट किया जाएगा मतलब पेंशनर को भी और एम्प्लॉय को भी इंटीमेट किया जाएगा कि आपका जो है यहाँ पे ये यह अप्रूव नहीं हुआ है यहाँ पे कुछ एरर है तो आपका रिजेक्ट हो सकता है आप करेक्ट डेटा प्रोवाइड कीजिए ठीक है तो आपको जो है इंटीमेशन मिलेगा इसके रिगार्डिंग ये इस पॉइंट में बताया हुआ है नेक्स्ट पॉइंट में बताया हुआ है फिफ्थ केस में इनकेस Where the submitted information is not complete or seems erroneous, or any information in the application joint option form needs correction request or not found eligible, APFC RPFC 2 will seek the information from the employer under the intimation to the employee's pensioner within one month. अगर ऐसा कोई भी केस है जहाँ पे आपका एप्लीकेशन जो आपने इंफॉर्मेशन मतलब दिया हुआ है एप्लीकेशन में वो कंप्लीट नहीं है और उसमें एररनेस मतलब एरर्स है और एनी इन्फॉर्मेशन जो एप्लीकेशन में आपने दिया हुआ है उसमें अगर करेक्शन रिक्वायर्ड है और एलिजिबल नहीं हो आप तो आपको अगेन इंटीमेट किया जाएगा आप, आपके एम्प्लॉयर के थ्रू और आपको बताया जाएगा कि ये विद इन वन मंथ जो है वो करेक्ट कर लीजिए इफ़ कंप्लीट इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड द केस शिल बी प्रोसेस्ड फर्दर एट द एस पॉइंट नंबर थ्री मतलब अगर कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो गया आपका डेटा जो है वो मैच हो गया तो एक ऑर्डर निकाल आ जाएगा जिसके

अलग अलग उसके रीजनल ऑफिसर्स जो होते हैं हाँ उसके ऑफिसर्स के नाम है और कुछ नहीं ऑफिस का मतलब उसके ऑफिस के द्वारा जो है वो ऑर्डर निकाला जाएगा ऐसा इसमें बताया गया है ग्रीवेंसिस रेडल के लिए भी ऑप्शन आपको दिया गया है एनी ग्रीवेंसिस बाय द अप्लीकेंट कैन बी रजिस्टर्ड ऑन द ई पी एफ आई जी एम एस आफ्टर सबमिशन ऑफ इज रिक्वेस्ट फ्रॉम एंड पेमेंट ऑफ ड्यू कंट्रीब्यूशन अगर आपने पेमेंट कर दिया ड्यू कंट्रीब्यूशन का उसके बाद कोई भी ग्रीवेंसिस आपको है तो आप ई पी एफ आई जी एम एस में आप सबमिट कर सकते हो इफ़ एनी रजिस्ट्रेशन ऑफ सच ग्रीवेंसिस शेल बी अंडर स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ द हायर पेंशन विथ रेफरेंस टू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट डेटेडेंड टी टूलिसर इंचार्ज ऑफ द रीजनल ऑफिस एंड द जोनल ऑफिस जो भी इंचार्ज होगा रीजनल ऑफिस का और जोनल ऑफिस का वो ग्रीवेंसिस को मोनिटर करेंगे ठीक है ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था ये आर पी एफ सी जो मैं यहाँ पे हम बार बार बोल रहे हैं इसका मतलब मैंने आपको बताया रीजनल पी एफ कमिश्नर वन होता है ठीक है तो ये रीजनल पी एफ कमिश्नर्स जो है उसके द्वारा ये इश्यूड किया गया है विद द अप्रूवल ऑफ़ द सी पी एफ सीज तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये जो है एडर फॉरवर्ड किया गया है इन सब को ये हमें जानने की जरूरत नहीं है हमारे लिए जो मेन इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस पॉइंट में जिसमें बताया गया है अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपका जो भी वेजेस ड्यू होगा वो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा बाय द ऑर्डर और ट्रांसफर जो भी आपको ड्यूस करना है उसके बारे में आपको बताया जाएगा और अगर आपका एरर हुआ कोई भी एप्लीकेशन में अगर मिसमेज हुआ तो आपको एक महीने का टाइम दिया जाएगा और आपको थ्रू एम्प्लॉयर इंटीमेट किया जाएगा आपका एम्प्लॉय को और पेंशनर को यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि थ्रू एम्प्लॉयर जो है वो इंटीमेट किया जाएगा कि विद इन वन मंथ जो है आप डेटा कलेक्ट कर लीजिए अब बात करते हैं जो इंटरनल सर्क्यूट के लिए यहाँ पे निकाला हुआ है सर्कुलर तो ये सर्कुलर सेम ही है जो हमने बताया इसमें थोड़ा ज्यादा डिटेल में बताया हुआ है कि ई को एड कैसे करना है स्क्रुटिटी कैसे करना है डिफरेंट डिफरेंट केसेस में ये बताया हुआ है कॉन्सन एस एस ए को क्या करना है यहाँ पे ए पी एफ जो है उसको क्या करना है उसका जो इंटरनल डिटेल्स है इसमें बताया हुआ है ये हमें जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है हमारे लिए जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स था वो इंपोर्टेंट पॉइंट था वो यहाँ पे वेब सर्कुलर में ऑलरेडी कवर हो चुका है तो होपफुली आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए था वो इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा बहुत सारे लोग रिपीटेडली मुझे पूछ रहे थे कि सर यहाँ पे हमारा कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है उसमें इनकरेक्ट डाल दिया है गलती से तो हम एडिट कैसे कर पाएंगे तो यहाँ क्लियरली सर्कुलर में बताया हुआ है कि आपको इंटीमेट किया जाएगा और आपको एक महीने का टाइम दिया जाएगा वन मंथ टू कंप्लीट द इंफॉर्मेशन तो इसके बाद जो है आप जो है वो करेक्शन कर पाओगे ठीक है तो इसमें कोई भी डरने की बात नहीं है अगर आपने गलत एप्लीकेशन भी अगर डाल दिया है तो आपको हायर पेंशन मिलेगा और हायर पेंशन के लिए आप एलिजिबल हो तो आपको हायर पेंशन जरूर मिलेगा इसमें कोई भी घबराने की बात जो है वो नहीं है थर्ड में लास्ट डेट है बहुत ही कम चांस है कि ये डेट एक्सटेंड होगा तो इसलिए लास्ट में आपको पता है कि ई का साइड भी वैसे बहुत हैंग होता है तो लास्ट में ट्रैफिक की वजह से बहुत ज़्यादा हैंग होगा तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो है आप जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है सारी फिल कर देना फ्रेंड्स और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक जरूर करना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना फ्रेंड्स और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन जो है आपको मिलते रहे थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स